फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट मंथ सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के ऑफिस पे सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया था। उन्हें शक है कि वहां से फ्रंट रनिंग किया गया है। फ्रंट रनिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये ऑपरेशन हुआ उस समय अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड्स का AUM देखेंगे तो 93,000 करोड़ के आसपास था। और फिलहाल लास्ट वीक ऑफ जून अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक ऑफ जून में क्वांट से जो नेट आउटफ्लो हुआ, दैट इज पैसा निकला, नेट पैसा निकला, वो 2,800 करोड़ के आसपास निकला। आपको पता है जब भी इस तरह का इवेंट होता है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल करते हैं, रिडीम करते हैं यूनिट्स को, इसीलिए इतना पैसा निकला तो मतलब पैसा सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, 2,800 करोड़। हाँ, लेकिन पूरे AUM से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अबाउट 3% है AUM का, जो कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे आप क्वांट के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप रिटर्न्स चेक करेंगे ना, डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स है CAGR रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, और बेंचमार्क का भी रिटर्न्स है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। सारे होराइजन्स में इन सारे फंड्स का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज, करंट परफॉर्मेंस वाइज, ये सारे फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और अगर आप AUM वाइज देखें तो ऑफकोर्स स्मॉल कैप सबसे बड़ा है ना, 23,000 करोड़ के आसपास का AUM है। सेकेंड में एक्टिव फंड है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास अब पहुँचने वाला है। ELSS थर्ड नंबर पे आएगा, वो भी 11,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला। यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्वांट पे इतना बड़ा एलिगेशन लगने के बाद भी क्वांट के फंड्स पे कोई खास फर्क क्यों ना पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्वांट से ज़्यादा पैसा क्यों नहीं निकला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जानना ही चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ मेन रीजंस है जिसके कारण ऐसा नहीं हुआ। नंबर वन, आपको कुछ समय पहले याद होगा एक्सिस पे भी फ्रंट रनिंग का केस हुआ था, एक्सिस म्यूचुअल फंड में। जैसे ही ये पता चला तो एक्सिस ने इमीडिएटली अपने कुछ एम्प्लॉयज़ पे एक्शन लिया था, फंड मैनेजर डीलर्स वहाँ पे एक्शन लिया गया था, और फिर सेबी ने भी फाइनली उन पे एक्शन लिया था। यहां पे अगर आप देखा जाए तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने किसी भी एम्प्लॉय पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो क्वांट की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है और सेबी के तरफ से भी फिलहाल कुछ नहीं कहा गया। देखिए, अगर सेबी ने कुछ किया है, जांच किया है, सर्च एंड सीजर किया है, तो ऑफकोर्स वहां पे अगर कुछ मिलता तो क्वांट म्यूचुअल फंड को भी उसके बारे में पता चलता। और अगर क्वांट म्यूचुअल फंड को पता चलता कि कोई इंटरनल पर्सन, फंड मैनेजर या डीलर इन्वॉल्व है, तो अभी तक वो एक्शन ले चुके होते उसके खिलाफ। बट हाँ, अभी तक ऐसा लगता है कि पता एटलीस्ट क्वांट म्यूचुअल फंड को इसके बारे में नहीं है, और सेबी जो भी जांच कर रहा है, जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, अभी तक कुछ भी नहीं आया है। ऐसा नहीं कि सेबी ने क्लियरली बोल दिया है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इसके कारण प्रॉब्लम हुआ है, हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकेंड रीज़न क्या है कि देखिए, क्वांट के ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न्स बहुत अच्छा आ रहा है। और फिलहाल अभी आपने परफॉर्मेंस भी देखा, मैंने आपको दिखाया अभी भी, मतलब जो इश्यू हुआ था उसके बाद भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, सारे फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस अच्छा क्यों है, क्योंकि बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से ज़्यादातर होराइजन्स में बीट कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, इसीलिए ज़्यादा रिडेम्पशंस नहीं हुए हैं। और उसके बाद एक कंफर्ट यहाँ पे ये भी है कि अगर आप क्वांट का कैश देखें, कैश मीन्स ना डेट फंड में शॉर्ट टर्म में जो पैसा रखते हैं, और उसके अलावा जो लार्ज कैप में उनका इन्वेस्टमेंट है, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है। कैश में भी अच्छा खासा पैसा है और लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा उनका इन्वेस्टमेंट है। इवन स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे तो लार्ज कैप के स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप में उनका AUM बहुत बड़ा है, तो ऐसा लग रहा था कि स्मॉल कैप में अगर ज़्यादा रिडेम्पशंस होंगे तो प्रॉब्लम होंगे। लेकिन एक तो रिडेम्पशन कोई खास हुआ नहीं, और अगर होता भी तो इनके पास कैश अच्छा खासा है, और दूसरा लार्ज कैप में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो उससे वो मैनेज कर पाते। क्वांट का अगर आप फंड वाइज जानना चाहते हैं कि कितना पैसा निकला है, तो ऑफकोर्स जो बड़े फंड्स हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा निकलेगा, जो छोटे फंड्स हैं रिलेटिवली कम निकलेगा, तो मोस्टली ऐसा ही हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप उनका सबसे बड़ा फंड है, तो वहाँ से अबाउट 809 करोड़ का पैसा निकला है,
और एक्टिव फंड से अबाउट 374 करोड़ का पैसा निकला है, ELSS फंड से 28 करोड़ निकला है। ऑल्दो ELSS उनका बहुत बड़ा फंड है, आपको पता है रीज़न ना, ELSS फंड है, 3 ईयर से पहले आप पैसा निकाल ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जिनका 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया होगा उसमें से थोड़ा पैसा निकला होगा। और मिड कैप से अबाउट 306 करोड़ के आसपास निकला है और फ्लैक्सी कैप से 338 करोड़ निकला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं निकला है। यहाँ पे आप क्वांट के 2 मोस्ट पॉपुलर फंड्स का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ टॉप होल्डिंग मैंने लिया है। ये पोर्टफोलियो किसका है, एनी गेसेस? ये स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, ऑल्दो आपको लार्ज कैप ही ऊपर पूरा दिख रहा होगा। और ये सेकेंड जो है वो एक्टिव फंड का पोर्टफोलियो है। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% प्लस, HDFC बैंक 7% प्लस, जियो फाइनेंशियल का भी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 2.2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अदानी पावर अगेन बड़ी कंपनी है, 2.8 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ओवरलैप देखिए दोनों फंड्स का, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, अदानी पावर, जियो और एजिस लॉजिस्टिक भी दोनों में। क्वांट के फंड्स का अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखेंगे तो मोस्टली मोमेंटम स्टाइल को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनका एनुअल टर्नओवर अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। लास्ट मंथ में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं पोर्टफोलियो में, तो उस चेंजेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन स्टॉक्स में उन्होंने एडिशन किया है, किन स्टॉक्स से निकले हैं और किन स्टॉक्स में उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए, वहाँ पे HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने अपना एक्सपोज़र बढ़ाया है ज़्यादातर स्कीम्स में। और क्वांट स्मॉल कैप अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने अपना स्टेक 1.16% से बढ़ाया है, HDFC बैंक में 1.52% से बढ़ाया है, साथ ही अदानी पावर में भी अपना एक्सपोज़र बढ़ाया है। LIC में आपको पता है ना, उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, वहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपोज़र कम किया है, निकले नहीं है, कम किया है। उसी तरह से TV18 से भी उन्होंने एक्सपोज़र कम किया है, और अदानी ग्रीन एनर्जी से वो पूरी तरह से निकल गए हैं, कंप्लीट एग्जिट है। तो ये मैंने स्मॉल कैप के बारे में बताया। क्वांट मिड कैप का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे लास्ट मंथ का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अबाउट 1.3% से उन्होंने स्टेक बढ़ाया है अपना, और HDFC बैंक में 0.56% से स्टेक बढ़ाया है। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड को भी अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अबाउट 1.21% से स्टेक बढ़ाया गया है, और HDFC बैंक में 3.27% से स्टेक बढ़ाया गया, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो देखिए, क्वांट में, क्वांट के फंड्स में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। देखिए, क्वांट का जो भी परफॉर्मेंस आ रहा है वो रीसेंट परफॉर्मेंस है, हमेशा ध्यान में रखें। आपको ना 5 ईयर 10 ईयर का भी रिटर्न बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि ये CAGR रिटर्न्स है, ये एवरेज रिटर्न होता है। तो किसी भी फंड का अगर नियर टर्म का लास्ट 2-3 ईयर्स का रिटर्न अगर बहुत ज़्यादा है, तो अगर उन रिटर्न्स को आप एवरेज आउट करेंगे तो इवन 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्वांट के मामले में आपको रीसेंट परफॉर्मेंस ही देखना है, क्योंकि क्वांट ने स्कॉट म्यूचुअल फंड्स को खरीदा था 2018 में, तो मतलब एक नया, रिलेटिवली एक नया फंड हाउस आप इन्हें बोल सकते हैं, पहले स्कॉट म्यूचुअल फंड हुआ करता था। तो इनका जो भी परफॉर्मेंस आया है कोविड के समय, जो स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा, उसके बाद जब मार्केट वापस आया वहाँ से इनका रिटर्न्स आया है, और बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है इन्होंने अपने ज़्यादातर स्कीम्स में। मार्केट में जो दूसरे फंड्स हैं ज़्यादातर केस में उनसे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये रिटर्न ज़्यादा कैसे जनरेट कर पा रहे हैं? मोमेंटम, आपको पता है जब भी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा करता है तो मोमेंटम स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं उस समय, और इनका मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है मोमेंटम है, इसीलिए इनका चर्निंग बहुत ज़्यादा है, स्टॉक्स का बाय एंड सेल। और अभी फ़िलहाल इनके ज़्यादातर फंड्स में ये काम कर रहा है, तो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं रिलेटिवली, चर्निंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हुआ है क्योंकि रिटर्न्स तो आया है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि इस तरह के जो फंड्स होते हैं, जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तब तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा, लेकिन जब मार्केट लगातार गिरेगा तब वहाँ पे डाउनफॉल भी आएगा इन फंड्स में। मार्केट के मुकाबले कई केसेस में आप देखेंगे कि ज़्यादा गिरेंगे और वहाँ पे रिटर्न्स रिलेटिवली कम आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, स्टॉक मार्केट हमेशा ही लगातार ऊपर नहीं जाता, ये नीचे भी गिरता है। और उसके बाद अगर आप इनके फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप का भी ध्यान में रखना है। देखिए, ज़्यादातर फंड्स में अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, सेम तरीके के स्टॉक्स, तो यहाँ पे अगर किसी को करना भी है तो एक फंड यहाँ पे सफिशियंट है। बट हाँ, जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके बारे में भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं ट्राई करूंगा उसको आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।